और आज सुबह के समय हमारा शीर्षक है उसी के नीचे जिसका uh, अर्थ है uh, विनम्रता एंड सो आई बिलीव इफ यू वांट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ ह्यूमिलिटी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट लाइफ अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना एक अच्छा जीवन जीना है उसके लिए आपको ये जीवन में होना बहुत जरूरी है learn to inculcate this emotional intelligence into your life.

इसलिए आज सुबह के समय ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने अनुमति दे परमेश्वर को क्यों हमारे हमारे जीवनों में परिवर्तन लेम द लैटिन वर्ड ह्यूमिलीस जो ह्यूमिलिटी जो विनम्रता शब्द है वो एक लतानी शब्द से आया है एंड द वर्ड ह्यूमिलीस मींस टू बी इन लो पोजिशन और ये जो लतानी शब्द है उसका मतलब है कि नीचे विनम्रता से रहना एंड आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ द डिक्शनरी डेफिनेशंस एंड डिक्शनरी डिफाइंस इट टू बी जो विनम्रता है उसका अर्थ क्या है तो मैं देख रहा था उसका मतलब है की अपना आपको और भी दीन कर देना स्वाभिमान जो है उसको बहुत ही निम्न कर देना

uh, be of a s low self-regard in the, in the general definition.

to put in perspective what wikipedia actually means बाइबल के आधार पे बाइबल क्या कहती है विनम्रता के बारे में वो हम देखना चाहेंगे and that is to understand humility as a revelation of your identity in christ and functioning from that position of who you are in christ और ये हमको बताना चाहता है कि एक प्रकाशन है कि हमारा जीवन ये एक क्षमता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि परमेश्वर का जो हमारे अंदर अंदर जो परमेश्वर ने हमको दान विनम्रता दी है उसका भारी प्रकाशन वेन यू अंडरस्टैंड आर जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप कौन है एंड योर आइडेंटिटी इन सील और आपकी पहचान परमेश्वर में एकदम से मोहर लग जाती है and you begin to function from that position, और जब आप उस से दोबारा से कार्यग्रत जाते हैं है जो है हमारे जीवन की प्राकृतिक एक चीज बन जाती many, है मेनी फाउंड दिस रिमेंबर वेरी वेल बहुत बहुत सालों पहले मुझे एक ये कथन

are

Like this, एक जो वैज्ञानिक है थॉमस मोर्टिन करके उन्होंने ऐसा लिखा है घमंड है वो हमको नकली बना देता है और लेकिन जो विनम्रता है वो हमारी असलियत को दिखाता है कितना सच बात है ये वेन वी आर प्राउड फुल इन आवर लाइफ वी बिकम so artificial that people don't like us anymore जब हम घमंड से भरे होते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत बनावटी हो जाता है और लोग हमको पसंद नहीं करते बट वेन वी Clothed with humility, uh, we are liked and we become more genuine, we become more real. So one of the greatest problem that many people including Christians have is knowing who they are, their identity in Christ. And when we are humble in the Christ-like way, you know, our life changes dramatically.

इमोशनल इंटेलिजेंट तो उन्होंने पांच ऐसी बातों के बारे में तथ्यों अंगों के बारे में बताया है जो हमारी भावनात्मक बुद्धिमता के लिए जरूरी है कि आत्म जागृता होनी चाहिए दूसरी बात है हमको स्वयं निर्भरता होनी चाहिए नंबर थ्री इज सोशलाइजेशन तीसरी बात है हमको सामाजिकरण हमारे अंदर होना चाहिए Uh, चौथी बात वो कहते हैं हमारे अंदर सहानुभूति होनी है five, और पांचवी बात वो कहते हैं कि हमको प्रेरणादायक होना है बट इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दिस फाइव कंपोनेंट्स दैट ही पांच चीजें पांच तत्व हैं जो उन्होंने बताए हैं अगर हम देखें तो विनम्रता इन सारी पांचों चीजों को संभाल लेती है या उनपे टेक लगाती है नाउ आई टू टेल यू देर इज गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुश खबरी है बताना चाहता हूँ जब हम परमेश्वर पे निर्भर होते है पवित्र आत्मा को अनुमति देते है की वो हमको परिवर्तित करे वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट जब हम अपने आप को ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं प्रार्थना के द्वारा आत्मा an का हर दिन पे बुद्धि के द्वारा और एक चीज से निश्चित हो जाना कि मुझे ये करना ही है थ्रू गेरिंग सम ट्रेनिंग इन दिस एरिया इस विषय के ऊपर शिक्षित शिक्षा पाने के द्वारा एवरी वन ऑफ आस लर्न एंड चेंज

हमको सिखाया है और हमको मदद की है बताने के लिए हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं टू हैव अफ एम्पति इसलिए पोलूस हमको इस वचन के द्वारा जो रोमियो की पत्री उसके बारहवें अध्याय में पाते हैं वो हमको सानुभूति के लिए बुला रहा है फिर हमें हमें बुला रहा है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होना है आपने रोमियो की पत्री उसके बारहवें अध्याय के पंद्रव सोलवे के शुरुआती पदों को पढ़ा है तो एंड यू शो harmony. अगर आपने सहानुभूति के बारे में और मेल मिलाप के बारे में पढ़ा है तो close your eyes without reading. You can actually read humility as I the next one. आप आंखें बंद कर आराम कर से पढ़ सकते हैं विनम्रता के बारे में रोमियो so के पत्र बारहवें अध्याय के, के सोलवे पद में पॉलुस कहता है लिव इन हारमोनी विदर एक दूसरे के साथ आपसी प्रेम में रहो डोंउड अभी मानी ना रहो टू एंजॉय कंपनी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल साधारण लोगों के साथ आनंद उठाओ एंड थिंक यू नो और ये मत सोचो की मुझे सब पता है What a powerful word from Paul the apostle. कितना सामर्थी शब्द है पॉलुस के द्वारा यहाँ पर Basically what Paul is saying here. यहाँ पे पॉलुस क्या कहना चाह रहा है अगर हम देखें तो Do not be do not be, do not become haughty in your mind. यहाँ पे पॉलुस कह रहा है कि तुम अभिमारी मत बनो But associate with the lowly, meaning the ordinary people। जो विनम्र हैं, जो साधारण लोग हैं उनके साथ मेल मेल रखो That's why आम आदमी पार्टी इज नाउ जाडू मार दिया पंजाब को इसीलिए

मैं देखता हूँ कि आज की पीढ़ी में बहुत ज्यादा घमंड और अहंकार भरा हुआ है सिंपली बिकॉज़ दे नो सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज़ दे कैन डू सर्टेन थिंग्स दे दे फील दे हैव कम ऑफ एज दे फील दे हैव अचीव्ड इट ऑल अगर वो कुछ-कुछ कार्यों को कर पाते हैं तो वो सोचते हैं उन्होंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है दे डोंट रियलाइज द लिमिटेशंस एंड द ह्यूमन Uh, finiteness and, and the, the, the struggles of life, in spite of what is happening around the world, there is a spirit of haughtiness in today's world. So, if you're talking about small tasks or small responsibilities, Paul the Apostle will say, devote yourself to doing those small प्रेरित पॉलुस कह रहा है कि तुम उन छोटे कामों को करने में लगे लोग यहाँ पर झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगेंगे हमें से कितने लोग होंगे जो शौचालय जाएंगे और ब्रश लेकर साफ करने लगेंगे और वु यू से हमें से ऐसे कितने लोग ऐसा बोलेंगे की नहीं ये मेरा काम नहीं है जो मुझे करना I still remember when we were installing and setting up this church, we had a, a hard time with few people. The electrician was, was installing these fans on the wall. And I told him, before you put it up, why don't you take a cloth and just clean those fans?

गॉड नेवर गो अपवर्ड जैसे पानी जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बहता है अगर उसे बहना है तो वो नीचे की तरफ ही बहेगा वैसी परमेश्वर की आशीषें हैं वो नीचे की तरफ बहती चली जाती हैं। है वर्ल्ड so uh, 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 अगर हम इसका पुरलिंग शब्द देखें इस शब्द का जो विनम्रता है तो इट मीन पीपल ऑर्डिनरी पीपल इसका मतलब यह है कि हम साधारण लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं नॉट ओनली विद रिच एंड एजुकेटेड एंड अपर कास्ट सिर्फ जो उच्च स्तर पर है या अमीर है जो पढ़े लिखे उन्हीं के साथ नहीं रखते इंग्लिश आई

I only drive car मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा और आपकी उसमें नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ कार ही चलाता हूँ। That is a spirit of pride in self यह एक घमंड की आत्मा है हमारे अंदर So it's a call to humility versus pride that Paul is talking about इसलिए यहाँ पे Paul पौलुस कह रहा है कि हमारे अंदर जो घमंड है और साथ ही साथ विनम्रता I like this definition of pride यहाँ पर देखिए एक घमंड की एक परिभाषा दी गई है Neil Plantiga says pride as a blend of

सल्फ और हिमसल्फ Okay, एक घमंडी व्यक्ति वो होता है जो अपने बारे में सोचता है अपनी चीजों के बारे में सोचता है और yes वही सोचता है The, the pride person is only talking about, thinking about self. and that's what paul is saying here. being wise in your own eyes. now, how would you manifest this in your, this kind of pride in your life? if you are always thinking that you are the smartest person in the room, that is an indication of pride.

the the most humble person in the तो church. मोस्ट उन्होंने जो सबसे ज्यादा विनम्र दीन व्यक्ति था उसको जो है पुरस्कार दिया बट आफ्टर कपल ऑफ वीक्स लेकिन कुछ हफ्तों के बाद थ्री फोर मंथ चार पांच महीनों के बाद द कमिटी मेट टूगेदर जो क, जो कमेटी के लोग थे वो लोग मिले साथ में uh, उन्होंने उन्होंने देखा, उनोंने दे सोचा है कि पुरस्कार अब उस व्यक्ति से वापस ले लिया जाए। तो जब वो लोग उसके पास उन्होंने पूछा कि well, तो तो कारण बताया कि आप हमेशा हर संडे उसको पहन रविवार पहनकर आ जाते हो इसलिए आपसे ले रहे हैं इसलिए वो ये दिखाना चाहता था कि मैं सबसे विनम्र व्यक्ति हूँ इसलिए वो गले से निकाल ही नहीं रहा था प्राइड इज अ वेरी सटल थिंग ये जो घमंड है बहुत ही छुपी हुई चीज है हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर द पैराबल ऑफ पैरसीज एंड द टैक्स कलेक्टर इन लूक चैप्टर 18 आप में से कितनों को लूका 18 के ये दृष्टांत समझ में आता है जहाँ पे फरीसी और चुंगी लेने वालों के बारे में लिखा टू मैन गो टू द टेम्पल टू प्रे दो व्यक्ति जो है वो मंदिर में जाते हैं प्रार्थना फरीसी है। जो है वो अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं एंड और वो कायदे में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं यू नो हाउ ग्रेट ही इज कितना महान है वो परमेश्वर लॉर्ड आई थैंक यू दैट आई एम नॉट द अदर आर परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि मैं औरों के समान नहीं हूं यहां पर आई आई ऑफ ऑल मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका दशवांश देता हूं आई फास्ट ट्वाइस अ वीक मैं हफ्ते में दो बार उपवास करता हूं आई एम नॉट नॉटल मैं जो हूं एक व्यभिचारी नहीं हूं थैंक यू दैट आई एम नॉट द टैक्स कलेक्टर ओवर देयर आई एम नॉट लाइक द टैक्स कलेक्टर ओवर देयर धन्यवाद परमेश्वर मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं बट ऑन द अदर साइड लेकिन

सर्विस और कुछ कलिसिया के जो पुरुष लोग थे वो जो है बाहर बरामदे की ओर खड़े थे और जो एक कलिसिया का बड़ा था उसने जो है पासवान से कहा पासवान आई एम सो ग्लैड आई एम नॉट लाइक मैं कितना धन्यवाद देता हूं कि मैं जो हूं उस फरीसी के समान नहीं हूं यू सी दैट एल्डर मिस द होल पॉइंट देखिए उस जो बड़ा जो व्यक्ति था कलीसिया का उसने सारी बातों को छोड़ दिया ही इज सो प्राउड ही इज मिसिंग द होल पॉइंट ऑफ द सर्मन वो इतना घमंडी था कि उसने हर चीज जो वचन में कही गई थी वो सब छोड़ दी यू नो व्हाट ये, आपको पता है क्या है When I was that sermon, जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था When I was this story, मैं जब उस रीडिंग को पढ़ रहा था in my room, और जब मैं अपने वचन की तैयारी कर रहा था I'm to myself, मैं अपने आप में सोच रहा था, I thank God, I'm not like that elder. मैं, <laughs> मैं धन्यवाद देता तो हूँ कि मैं उस बड़े के समान नहीं हूँ so of, 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 of इस, इसका मतलब हम सबों के अंदर घमंड है

You know, we have a family doctor that we go to. We are stuck with him for the last 20 years. He doesn't hear all of our problems very well. Halfway through our problem narration, he is already telling you, "Chakosab, chakosab."

That means get out of here. He's never going to give you a cup of tea. He just wants the next client so he can get the other 500 rupees. But you see, he doesn't do a proper diagnosis of the problem, but somehow,

आप एकदम से रुक जाए और अपने आप से ये प्रश्न पूछे ले, अपनी अपनी दिमाग में इसका जवाब। सब सबसे पहला। Do you struggle often with impatience or short temper? क्या आप अपने जीवन में संघर्ष करते हैं कि आपके अंदर गुस्सा आ जाता है और आप एकदम से बेचैन होने लगते हैं Close your eyes for a moment. एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद टू सेल्फ अपने आप के लिए सच्चा बने आंसर योर नो उत्तर दे या ना All right, we move to the second one. Doesn't take a lot of thinking to to do because we know। Is it common for others to charge you with being too defensive? क्या ये आपको बहुत मुश्किल कर देता है कि दूसरे आप अपना खुद का बचाव करें In other words, दूसरे शब्दों में आई यू टू एंट्रीड easy टू करेक्ट और Do your defense comes up as soon as someone confronts you? कहने की बात यह है कि क्या यह आपके लिए यह सरल होता है कि कोई आपको आसानी से ठीक कर दे या आप उससे इससे पहले वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है आप अपने आप के बारे में बोलने लगते हैं. In other words, you are quick to put the fence up. आप अपने आप को बचाव के लिए पहले से आगे बोलने लगते हैं. Accusation आने से पहले आप क्या करते हैं? You put up the fence. इससे पहले विरोध है आप अपने आप को बचाने लगते हैं. You put up the argument. आप अपनी बात को आगे रख देते हैं. I'm one of them, by the way. मैं से एक well. मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी है। right, so uh, ये एक अपनी आंखों को बंद कर, कर इसको उत्तर दें नंबर 3 तीसरी बात हैव अ रेप्यूटेशन फॉर क्या आपके पास एक ऐसी uh, एक प्रसिद्धि है जिसमें आप बहुत ही संवेदनशील रहते हैं यू नो थिंग्स बिकम यू नो स्मॉल थिंग्स बिकम सच ए बिग थिंग सो क्विकली। एक छोटी सी बात आप होती है लेकिन आप बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं उस बात के लिए राइट थिंक फॉर मे बी क्लोज और राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इजी वन ठीक है चौथी बात आर यू इजी टू ऑफेंड क्या आपको एकदम से बुरा लग जाता है आई यू सो इजी टू ऑफेंड क्या बड़ी सरलता से आपको बहुत बुरा लग जाता है? अगर ऐसा हो जाए कि जिस कुर्सी पे आप बैठे and कोई that, और बैठेगीट पर्सन इज कमिंग टू दर्च फॉर दर्स बारिश नोट इज ये और उसको ये नहीं पता था कि ये कुर्सी आपकी थी आपको क्रोध क्या आपको बुरा लग जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपकी कुर्सी ये मतलब है कि बहुत सरलता से बुरा क्या आप बहुत ज्यादा चिंता में समय बिता देते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे Obsessed हैं सस्ट योर यन और द ओपिनियन ऑफ अदर्स आपको बस अपनी ही आपकी आपकी जो छवि है आपको उसी की चिंता है अपनी पहचान की चिंता है और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उट दैट सोचिए इसके बारे में what others think about me? क्या दूसरे लोग सोचते हैं लोगों के सामने your, opinion of what others, your public reputation really bothers you। आपकी प्रसिद्धि जो है इस संसार में वो आपको बहुत ही ज्यादा मेरे बारे में क्या सोच रहे होगा right. for for छठी बात Do not care what others think of you. आप ये चिंता ही नहीं करते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते so हैं। So much that it causes you to be ungentle with people and insensitive to them. इतना ज्यादा कि आप उन लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा असजैन हो जाते हैं। I don't care what you think. मेरे को चिंता नहीं है आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। I'm going to do what I want to do. मैं वो करूंगा जो मुझे करना है।

that was not in the manuscript so masida yes. hasn't got the, the, the meaning word. of the word peeing here <laughs> i I'm got the joking. real translation <laughs> just kidding <laughs> yes but hey uh, you know we become insensitive to other people because we are self-absorbed how many of you know that the greatest need of human being is self-absorption आप में से कितने लोगों को पता है कि जो मनुष्य की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है स्वयं का स्वाभिमान सेल्फ हम सब कुछ अपने लिए अच्छा चाहते हैं हम अच्छा खाना चाहते हैं। हम हर चीज का अच्छा चाहते हैं so इसलिए वो पाने के लिए जो स्वयं का स्वाभिमान के लिए है, मैं कुछ भी करूँगा

is it's it's not your fault that you can't be friends with them is their fault that they, they can't be my friends कि जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि ये दूसरे की गलती है कि वो मेरे साथ मित्रता नहीं रख पा रहा है ये मेरी गलती नहीं है वो is उसकी it, गलती it's है it's everybody else's fault not my fault ये किसी सबकी गलती है बस मेरी गलती नहीं है how many of you seen a lot of lonely people आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है they're very lonely बहुत ही अकेले हैं What what is part of the problem? क्या परेशानी का हिस्सा है उनके जीवन का बहुत ऊंचा कि कोई भी अच्छा नहीं है जो उनका मित्र बन सके no one is up to their spiritual maturity or competence. कोई भी उनकी आत्मी परिपक्ता के बराबर नहीं है Everybody, all are sinners. सब लोग पापी or something or the other you come up with that. It is their problem that they cannot be my friends. कुछ 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 ऐसी चीजें परेशानी बीच में आ जाती हैं जब वो सोचते हैं कि उनकी परेशानी है वो मेरे मित्र नहीं बन सकता। Right. घमंड. All right. Next one. अगली बात. Is it difficult for you to let it go when your accomplishments are not recognized or when you are not congratulated? क्या ये आपके लिए मुश्किल होता है कि जब आप लोगों लोग आपका सराहना नहीं करते या आपको बधाइयाँ नहीं देते हैं

Let us look at how Jesus describes

अपने बारे में कैसे व्याख्यान दे रहा है He says, Come to me, यीशु कह रहा है मेरे पास आओ फॉर आई एम जेंटल क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कोमल हूँ एवरीबडी साइड विद मी आई एम जेंटल मैं विनम्र हूँ एंड लोली और मैं दीन हूँ इन हार्ट हृदय में Come to me, for I am gentle and lowly in heart. Main namr aur man ka deen Jesus is saying, Come to me because I am humble. Yeshu rahe, Mere paas ao, main Jesus is the embodiment of humility. Yeshu ne apne upar jo hai pehni hai. The very fact that He took the form of man is humility. Yeshu ne manav ka mein aane ka hai. My dear friends, we have the greatest role model, our hero, Jesus.

पहला पहला पद कि हमको मसीह के लिए एक एक जीवित बलिदान होना है a जीवित बलिदान नाउ

धन्य वेल यू आर ब्रोकन आप टूटे हुए हैं ए लिविंग सैक्रिफाइस आप एक जीवित बलिदान हैं. एट द सेम टाइम यू आर ब्लेस साथ ही साथ आप आशीषित हैं, धन्य What does that mean? इसका क्या मतलब है Jesus said, a blessed person is poor. यीशु ने बोला जो आशीषित व्यक्ति है धन्य व्यक्ति है वह गरीब है That doesn't make sense. ये चीज का कुछ मतलब नहीं समझ में आता वन वुड थिंक ब्लेसड पर्सन शुड बी रिच

Kali.

spirit. धन्य है वे जो मन के दीन हैं. A Christ-centered life of humility is broken. जो मसीही केंद्रित जीवन है वो है टूटा हुआ. And blessed. और आशीष धन्य. And then finally. और आखरी बात. It is given. वो दिया जाता है In gospel of John, chapter 1, verse 14, और हम जब यमुना के, uh, के सुसमाचार पहले अध्याय के चौदह पद में आते हैं जो वचन था वो देधारी हो गया। And the word is the gospel. और जो वो वचन है वो सुसमाचार है गॉस्पल इज द गुड न्यूज सुसमाचार जो है वो खुशखबरी है खुशखबरी जो है वो यीशु मसीह है वर्ल्ड और यीशु मसीह दुनिया को दिया गया है so इसलिए हम जो मसीह के

पहचान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के साथ जुड़ जाती है। हम पुत्र बन जाते हैं और हम आईडेंटिटी हमारी जो पहचान है उसमें मोहर लग जाता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ मैं मसीह का बेटा हूँ रिलेट्स टू गॉड जो जीन परमेश जुड़ता है एंडल रिलेशन और एक आड़ा जीवन इज रिलेशनशिप ऑफ सर्वेंटहुड एक आड़ा आकार जो बताता है कि हमको दास बनना है

अपना दिमाग अपना मन वैसी The same that mind that is in Christ Jesus. जैसा मसीह का स्वभाव है वैसी स्वभाव रखो तुम्हारे अंदर भी हो